अज्ञान मूल हरणम। अज्ञान का मूल क्या है? अज्ञान का मूल वासना है। जैसे नाविक नाव को ले जाता है और नाव नाविक को ले जाती है, ऐसे अज्ञान से वासना पैदा होती है और वासना से अज्ञान बढ़ता रहता है। नश्वर में प्रीति बढ़ती रहती है, अज्ञान के लक्षण है। ज्ञान की बातों से काम न चलेगा, माला घुमाने से काम न चलेगा, बाबा तीर्थ जाने से काम न चलेगा, सेठों को राजी रखने से काम न चलेगा, नौकरों को अपना बनाने से काम न चलेगा। तुम चाहे कितने ही मंत्र करते रहो, लेकिन बेवकूफी कम हुई या बढ़ी उस पर निगाह डालनी पड़ेगी। अज्ञान बढ़ता है कि नहीं? यदि तुम अज्ञान में ही मंत्र करते जाओगे तो मंत्र का फल तुम्हारी वासना पूर्ति, और वासना पूर्ति हुई भोग भोगोगे तो उस भोग की इच्छा और कोई नहीं रह जाएगी। तप करने से क्या फर्क पड़ता है, जप करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब कोई सतगुरु मिल जाए। फर्क तो तब मिलता है जब सतगुरु की सीख कोई दिल में उतर जाए, तब फर्क पड़ता है। अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम। जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले जो कर्म है उनको निवारण करने वाला कोई सतगुरु मिल जाए, कोई सत्य की झलकें देने वाला मिल जाए, कोई सत्य के गीत सुनाने वाला मिल जाए। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, जिसके सानिध्य से तुम्हारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य निखर आए, जिसके सतउपदेश से तुम्हारी बुद्धि की मलिनता दूर होकर तुम्हारा विवेक वैराग्य जग जाए। काश कितने सौभाग्यशाली वो दिन होंगे कि भरतृ पूरा राज्य छोड़कर चला गया, गोरखनाथ के कदमों में जा पड़ा। चमार जाति के गोरखनाथ के चरणों में राजा भरतृ को गिरते समय कोई शर्म नहीं आया, कोई लज्जा नहीं हुई, कोई पद और प्रतिष्ठा याद नहीं आया, क्योंकि भरतृ समझते थे। अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम। जन्म जन्मांतर के जो कर्म है उनको निवारण करने की यदि सामर्थ्य है तो गुरु के चरण रज में है। जन्म जन्मांतर की बेवकूफी को दूर करने की यदि कुंजियां हैं तो फकीरों के द्वार पर है। रहुगण राजा राज्य से उपराम होकर शांति पाने के लिए जा रहा है। होगी कुछ बुद्धि पवित्र, कई राजा तो मर जाते हैं लेकिन आसक्ति नहीं छोड़ते। वो राज्य की आसक्ति छोड़कर शांति की खोज में जा रहा है। पालखी का आदमी बीमार पड़ा, जड़ भरत पालखी ढोने में लगा दिए गए। जड़ भरत को डांटा फटकारा, जड़ भरत को करुणा हुई। बुद्ध पुरुष करुणा का भंडार होता है। सच्ची करुणा और सच्ची उदारता, सच्चा ज्ञान और सच्ची समझ तो जड़ भरत जैसे के पास होती। मूर्खों की नजर में वो जड़ जैसे थे लेकिन सचमुच वे ही चेतन पुरुष होते हैं। संसारियों ने उनका नाम जड़ रख दिया था, बेवकूफ रख दिया था, लेकिन वो ऐसे बेवकूफ थे कि हजारों की बेवकूफी नाश करने की कुंजियां उनके पास सड़ती थी। क्या दुर्भाग्य रहा होगा लोगों का कि ऐसे भरतृ का सानिध्य न पा चुके। उस व्यास मुनि को हृदय पूर्वक प्रणाम हो कि जड़ भरत के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया, जड़ भरत और रहुगण के संवाद में थोड़ा प्रकाश डाल दिया। वो प्रकाश आज भी काम आ रहा है। अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम। अज्ञान के मूल को हरण करने वाले, जन्मों के कर्मों को हटाने वाले जड़ भरत रहुगण से कहते हैं कि राजन, जब तक तो बुद्ध पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के चरणों में अपने अहंकार को न न्यछावर करेगा, जब तक ज्ञानवानों के चरण रज में तू स्नान करके सौभाग्यशाली न होगा, तब तक राजन तेरे दुख न मिटेंगे, तेरे शोक न मिटेंगे।
दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा सच्ची सेवा तो बुद्ध पुरुष करते हैं, सच्चे माता पिता तो फकीर ही होते हैं। हड्डी मांस के माता पिता तो तुमने कई बार किए, तुमने लाखों लाखों बाप बदले होंगे, तुमने लाखों लाखों माएं बदली होगी, लाखों लाखों कंठी वाले गुरु भी बदले होंगे, लाखों लाखों कनफूके भी बदले होंगे, लेकिन जब कोई सतगुरु मिलता है तो वो तुम्हें ही बदल देता है। अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम गुरु पाद को तम पिवेत। अज्ञान के मूल को हटाने वाले, जन्म मरण के पातकों को और कारणों को भस्मीभूत करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे दिल में भरने वाले ऐसे बुद्ध पुरुषों के चरण का चरणा अमृत भी मिल जाए तो कितना सुंदर होगा। ऐसे पुरुषों की डांट भी मिल जाए तो कितनी सुंदर होती होगी। ऐसे पुरुष डंडा लेकर पीछे पिटाई करने भी लग जाए तो कितने मधुर वो डंडे होंगे। ऐसे पुरुष तमाचा भी मार दे तो उस तमाचे में कितनी करुणा होगी। मेरे गुरुदेव एक बार ऐसी जोरों की डांट चढ़ाई, देखने वाले भयभीत हो गए, लेकिन धन्यवाद दिया अपने को कि जिन हाथों से हजार हजार मीठे फल मिले हैं उन्हीं हाथ से ये खटमिट्ठा फल कितना सुंदर है। कितनी उदारता के साथ वे डांटते हैं कि कहीं फिसल न जाए, कहीं रुक न जाए, कहीं चिपक न जाए, इसलिए बार बार चिमकियां देते थे। एक बार की बात याद आती है, यदि गुरुदेव की याद में पड़ जाऊंगा तो वक्ता का पाठ अदा न कर सकूंगा। ऐसी एक डांट चढ़ाई थी, वो आज भी स्मरण में आती है और उस डांट में कितनी करुणा छुपी थी। किसी सन्यासी ने मुझे कहा था कि ए युवक तू मेरे पास से कुछ सीख ले, रिद्धियां सिद्धियां पाने की कला, मैं तुझे अनुष्ठान बताता हूं, बस उससे तेरे को जो चाहिए वो चीजें मिलने लगेगी। इस प्रकार के प्रलोभन देकर वो अपना कुछ कचरा मेरे को दे रहा था। मैं जन्मों का अंधा, युगों का ठगा हुआ, सदियों से घुमा हुआ व्यक्ति, फिर कहीं ठग न जाऊं, कहीं अंधा न रह जाऊं, कहीं फिर घुमावे में न पड़ जाऊं। स्वामी जी को पता चला, तुरंत बुलावा भेजा, चरणों में बिठाया और कहा कि क्या बात सुन रहा था। मैंने जो कुछ सुना, ईमानदारी से सतगुरु के आगे यदि दिल खोल कर बात न करोगे तो जग करनी पड़ेगी, नहीं तो भीतर ही भीतर बोझा बढ़ाना पड़ेगा, जाओगे कहां। मैंने पूरा दिल खोल कर सतगुरु के कदमों में रख दिया। जो कुछ सन्यासी के साथ बातचीत हुई थी मैंने ज्यों की त्यों दोहरा दी। फिर क्षण भर के लिए मौन हो गया और जांचा कि कोई एक शब्द रह तो नहीं गया। गुरु के साथ विश्वासघात तो करने का पाप न लगेगा, गुरु से बात छुपाने का दुर्भाग्य तो न मिल जाएगा। मैंने फिर अपने दिल में जांचा और गुरु के कदमों में जो कुछ स्मरण आया कर दिया। ईमानदारी से सब कुछ कहने के बाद भी ऐसी जोरों की डांट पड़ी कि वो युवक हार्ट फेल न हुआ बाकी और सारा फेल हो गया। उसका उत्साह और श्रद्धा और सच्चाई सब डिगमिगा गई। ऐसी डांट चढ़ाई सतगुरुओं ने। डांट चढ़ाने के बाद कहते कि बेटा देख,
डांट भी इतनी तेज और बेटा कहने में भी प्यार भी इतना पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुष जो भी करता है वो पूर्ण ही तो होता है। सब कुछ सुना, दिल की बात कह दी, सच कहने का बदला ये मिला कि बड़ी जोरों की डांट पड़ी, अपमान हुआ, हार्ट फेल न हुआ, बाकी श्रद्धा विश्वास प्रेम फेल हो रहा था। पूरा मौका था फेल होने को, लेकिन जिन्होंने माया की जंजीरों को फेल कर दिया है, जिसने अज्ञान को फैल कर दिया है, उसके चरणों में यदि अहंकार फैल हो जाए तो घाटा भी तो क्या है। अपनी चतुराई और अक्कल उसके चरणों में यदि फैल हो जाए तो घाटा क्या पड़ा। सारी बुद्धिमत्ता, सारी व्यापारी विद्या, सारी साधना की अक्कड़ फैल हो गई, सर नीचे हो गया, आंखें दब गई। फिर कहते हैं, बेटा सुन, साधक जिज्ञासु बाज पक्षी है। जैसे बाज पक्षी आकाश को उड़ान लेता है और शिकारी ताकता रहता है, ऐसे ही साधक ईश्वर के तरफ चलता है। तो ये भेदवादी लोग, अज्ञानी लोग ताकते रहते हैं तुम्हें गिराने के लिए, परिस्थितियां ताकती रहती है बेटा तुम्हें फिर वापस संसार में खींचने के लिए। बेटा मैं तुझे डांटता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में तेरे लिए प्रेम के सिवा और कुछ नहीं। बेटा मैंने तेरे को कोपा दिया, कंपित कर दिया, लेकिन मेरे हृदय में तेरे लिए करुणा के सिवा और कुछ नहीं। जन्म कर्म निवारणम, जन्मों की धारणा और मान्यताओं को तोड़ने वाले, अज्ञान के मूल स्वरूप जो इच्छाएं हैं उनको हटाने वाले, बेवकूफी को छीनने वाले, ज्ञान और वैराग्य को भरने वाले, विवेक और शांति की छाया में रखने वाले, जिस जीव की हालत तो ऐसी है जैसे बाढ़ में बहता हुआ कोई कीड़ा एक भंवर से दूसरे भंवर में भटकता जा रहा है, कोई दयालु पुरुष की नजर पड़े और वो उठाकर उस कीड़े को वटवृक्ष की छाया में रख दे। इसी प्रकार बुद्ध पुरुषों का काम होता है, सदियों से भटकते हुए जीव आत्मा संसार की सरिता में बहे जा रहे हैं, उनको वो प्रेम का तिनखा देकर, पुचकार का सहारा देकर, साधना का इशारा देकर उन्हें संसार सरिता से किनारे लगा देते हैं, जन्म मरण की भवाटियों से उन्हें पार करने के लिए सहारा दे देते हैं। अज्ञान मूल हरणम, अज्ञान के मूल को हरण करने वाले, बेवकूफ के मूल को भगाने वाले वो सदगुरु लोग, जन्म मरण के कारणों को तोड़ने वाले वो बुद्ध पुरुष, यदि इस पृथ्वी पर न होते तो लोग बिना आग के जलते, यदि वे बुद्ध पुरुष इस वसुंधरा पर न होते लोग बिना पानी के डूबे रहते चिंता में, यदि वे बुद्ध पुरुष न होते तो मनुष्य मनुष्य का भक्षण किए बिना न रहते, यदि ज्ञानवानों की अनुकंपा बार बार इस पृथ्वी पर न बरसती
तो मनुष्य पशु से ज्यादा भयंकर कृत्य करता। ये सब उन्हीं पुरुषों की देन है, ये सब उन सत्पुरुषों की देन है कि आज हजारों हजारों दिल प्रभु के प्रेम में पिघल सकते हैं, सैकड़ों सैकड़ों दिल सदियों के पाप ताप निवारण करके परमात्मा के प्यार में बह सकते हैं, प्रभु के दीदार में वो बिख सकते हैं, प्रभु की मुलाकात में वो बिखर सकते हैं। ये सब उन्हीं पुरुषों की तो देन, चाहे वो ज्ञानवान समाज में प्रसिद्ध हुए हो चाहे न हुए हो, चाहे लोगों के बीच रहे हो चाहे न रहे हो, लेकिन उन ज्ञानियों की तो कृपा है, उन सद्गुरुओं की तो कृपा है जो सत्य में विचरण करते थे, जो सत्य में विचरण कर रहे हैं और जो सत्य में विचरण करते ही रहेंगे, ऐसे सत्पुरुषों की तो कृपा है हम लोगों पर। वे ही लोग थोड़ी बहुत अनुकंपा करते हैं, बाकी के लोग तो भगवान के नाम की दुकानें चलाते हैं, बाकी के लोग तो भगवान के नाम के पीछे अपनी इच्छाएं और वासनाएं पूरी करते हैं। एक सत्पुरुष ही होते हैं, सच्चे फकीर ही होते हैं जो वास्तविक में भगवान के नाम का रस पिला सकते हैं, वे वास्तविक में अज्ञान को हटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश दे सकते हैं। बाकी तो पंथवाड़े कब्रस्तान हो जाते हैं, जीवन जीवन नहीं रहता, जीवन मौत के तरफ सिरकता जाता है। जब ज्ञानवान पुरुषों की कृपा होती है तब जीवन जीवन के रास्ते पर चलना शुरू करता है। ओम ओम। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जिन्होंने बुद्ध पुरुष ज्ञानवान पुरुषों की बात का सेवन किया है, जिन्होंने ज्ञानी के कदमों में अपने अहंकार को बरसा दिया है, जिन्होंने ज्ञानियों की बातों में अपनी बातें कुर्बान कर दी है, तिनको दुख यहाँ न वहाँ। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, वे सचमुच धनभागी हैं, धनवान धनी नहीं है, सत्तावान धनी नहीं है, मित्रवान धनी नहीं है। सच्चा धनी तो गुरु का भक्त होता है, सच्चा धनी तो फकीरों का प्यारा होता है। निर्धनिया सब जग धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताहे जानिए जाको राम नाम धन होई। नानक कहते धनवान तो वही, मौत के समय पैसे तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे, मौत के समय बेटे और बहुएं तुम्हारी क्या रक्षा करेगी बाबा, मौत के समय महल तुम्हारे क्या साथ चलेंगे, मौत के समय भी गुरु की दी हुई प्रसादी तुम्हारा साथ देगी, मौत के समय भी गुरु का ज्ञान तुम्हारे दिल में फुरेगा, तो आप मौत की भी मौत करके आत्मा के तरफ चल पड़ोगे। ये संस्कार व्यर्थ नहीं जाते, ये सत्संग के वचन कहीं काम कर जाते हैं। दिया जलता है औरों के लिए प्रकाश कर जाता है, नदियां बहती है औरों के लिए पानी दे जाती है, मेघ बरसता है औरों के लिए। इसी प्रकार बुद्ध पुरुष दुनिया में बरस जाते हैं चार दिनों के लिए, उनकी याद रह जाती है, उनके गीत रह जाते हैं, उनका ज्ञान रह जाता है, उनका शरीर तो चला जाता है लेकिन उनकी स्मृति नहीं जाती, उनके लिए प्रेम नहीं जाता, उनके लिए श्रद्धा के फूल बरसते ही रहते हैं। वे आंखें धन्य है कि उनकी याद में बरस पड़े, वे होठ धन्य है कि उनकी याद में कुछ गुनगुनाए, वह जीभ धन्य है कि उनकी याद में कुछ कह पाए, वह शरीर धन्य है कि उनकी याद में रोमांचित हो पाए, वे आंखें धन्य है कि उनकी स्मृति के तरफ निहार पाए। ऐसे पुरुषों को हम क्या दे सकते हैं, जिनों के आगे सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य तुच्छ लगा है, जिनकी सारी इच्छाएं और कामनाएं प्रज्ञात हो गई है, उन महापुरुषों को हम क्या दे सकते हैं। हमारे पास देने को बचा ही क्या है, शरीर रोगी मन कपटी शरीर मरने वाला चीजें बिखरने वाली, हम दे भी क्या सकते हैं।
हमारे तो हजार हजार उनके कदमों में प्रणाम हो, लाखों लाखों उनके चरणों में प्रणाम हो, करोड़ों करोड़ उनके चरणों में हमारे प्रणाम हो, जिन्होंने हमारे पीछे अपना सर्वस्व लुटा दिया, जिन्होंने हमारे पीछे अपनी समाधि का त्याग कर दिया, जिन्होंने हमारे पीछे अपनी एकांत को निछावर कर दिया, जिन्होंने हमारे पीछे उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उन पुरुषों को हम देवी कह सकते हैं। हम गद्दार आदमी उनके लिए कर भी कह सकते हैं। हम बेवफा आदमी उनके लिए क्या वफादारी कर सकते हैं। ओ हम व्यवहारी बुद्धि के आदमी, हम स्वार्थी पुतले, हम इंद्रियों के गुलाम, हम लंपट लंपट्टू था कि जाल में भूले जाने वाले मकड़े, हम उनको क्या दे सकते हैं। हम विष्णुओं के लंपट्टू, उनको क्या दे सकते हैं। बस हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनको आंखों के पुष्प दे सकते हैं, हम उनको दो आंसू दे सकते हैं कि लो रुदन ले लो, लो पुकार ले लो, लो ये फिर से दो आंसू ले लो और चुप कराने की जवाबदारी तुम संभालो। हे सतगुरु, जायस्ते तदपि माता कुपात माता न भवती, छोरु कछोरु थाए पर मावतर कमावतर न थाए। पुत कपूत हो सकता है लेकिन माँ कब कपूत हुई, बाप कब कपूत हुए, बेटा कपूत हुआ। जब बेवफाई की तो बेटे ने की, माँ ने कब की है। जब गद्दारी की है तो चेलों ने की है, सूली पे चढ़ाया है तो चेलों ने चढ़ाया है, गुरु ने कब सूली पे चढ़ाया। किसी को निंदा की है तो शिष्यों ने की है, विरोध किया है तो शिष्यों ने किया है, गद्दारी की है तो शिष्यों ने की है, गुरु ने कभी गद्दारी नहीं की। कोई सदगुरु ने समाज के साथ गद्दारी नहीं की, फिर भी सदगुरु सूली पर चढ़े हैं। सदगुरु सूली पर चढ़ने के बावजूद भी तुम्हारे लिए कुछ द्वार खोलते ही गए हैं, तुम्हारे द्वार खटखटाते ही गए हैं। ओ, ओ, प्यारे शूली को सहज बना गए, वे प्यारे जहर को अमृत बना गए, वे प्यारे विरोध को गहने बना गए, वे प्यारे अपमान को श्रृंगार बना गए। केवल जिज्ञासुओं के इंतजार में, केवल साधक कोई मिल जाए, हमें लूटने वाला कोई मिल जाए, इसलिए बेवकूफों के आगे भी लूटते रहे, कहीं समझदार भी हमें लूट ले। हजारों हजारों के आगे बोलते रहे, कहीं एक प्यारा मिल जाए, कहीं एक जिज्ञासु मिल जाए, हमें झेलने वाला एक मिल जाए। उसी आशा आशा में हजारों पर बरसते रहे, लाखों पर बरसते रहे, कितने धैर्यवान होंगे, कितने धीर पुरुष रहे होंगे वे सतपुरुष। हमारे सदगुरु हो या और किसी के सदगुरु हो, वे तो सारे विश्व के सदगुरु हैं। लोग नहीं जानते तो लोग अंधे हैं, लोग नहीं मानते तो लोग पागल हैं, वे तो सारे ब्रह्मांड के सदगुरु हैं। ऐसे सदगुरु के कदमों में तो ब्रह्मा और विष्णु महेश के सिर झुक जाते हैं, तुम्हारे हमारे झुके तो बात ही क्या। ओ, 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 गुरुदेवो गुरु देवता, गुरु एक दिया है, दिया जल जाता है औरों के लिए, मेघ बरस जाता है औरों के लिए, गुरु भी जल जाता है, जीवन को खपा लेता है किसी के लिए। गुरु दीवो गुरु देवता, गुरु बिन घोर अंधार, जय गुरु वाणी वेगड़ा रणवड़िया संसार। जो गुरु की वाणी से दूर है वे खाक धनवान है, जो गुरु के वचनों से दूर है वे खाक सत्तावान है,
जो गुरुओं के वाणी से दूर है वे खाक देवता है, वो तो भोगों के गुलाम है, वो तो भोगों के कीड़े हैं। जो गुरुओं के वचनों से दूर है वे क्या अमृत पीते हैं, उनको तो पद पद पे राग द्वेष का जहर पीना पड़ता है। जे गुरुवाणी बेगड़ा रड़बड़िया संसार, मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम, अज्ञान के मूल को हरण करने वाले, जन्म कर्म निवारण करने वाले, सदियों के पापों को भस्म करने वाले, अनंत पक्कर्म और मान्यताओं को तोड़कर परमात्मा से जोड़ने वाले सद्गुरुओं को ऋषि कहता है, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादकोदकम पिबेत। गुरु के चरणों का जल पिए, गुरु के चरण कोई हाड़ मास के चरण नहीं, गुरु के चरण कोई नश्वर चरण नहीं, गुरु के चरण गुरु का अनुभव है, गुरु का चरण गुरु का आदेश है, गुरु का चरण गुरु की कृपा कटाक्ष है। उस कृपा कटाक्ष का अमृत पिए, उसके आदेश के अनुसार अपने जीवन को घर ले, उसकी चाह में अपनी चाह मिला दे, उसकी निष्ठा में अपनी निष्ठा मिला दे, उसकी मस्ती में अपनी हस्ती मिटा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू क्या हस्ती रखता है बाबा, सारी पृथ्वी को हिलाने वाला सीजर भी मर गया, सिकंदर चला गया, रावण रोता ही रह गया, स्वर्ण की लंका में राज्य करने वाले चले गए, समुद्र के अंदर रिडार लगाने वाले चले गए, स्वर्ग पर सीढ़ी की व्यवस्था करने वाले चले गए, तू है भी क्या, तेरा राज क्या है, तेरी सत्ता क्या है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जिनका राज्य वैभव लहला रहा था, वे राजा भरतरी गोरखनाथ के चरणों में जागिरे के नाथ, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। राजा भरतरी गोरखनाथ चमार शरीर में गोरखनाथ थे, चमार गोरखनाथ के कदमों में आज भारत का सम्राट अश्रुपात करके सिर पे खाक डालते हुए रूखे टुकड़े चबाकर भी रहना पसंद करता है। भारत का सम्राट फकीर के कदमों में रहना पसंद करता है, लेकिन भारत का बुद्धिशाली दुर्भाग्यशाली रॉक एंड रोल में नाचना पसंद करता है, क्लबों में नाचना पसंद करता है, सिनेमा थिएटर में धक्का खाना पसंद करता है, लेकिन गुरु के द्वार के धक्के उसे शोभा नहीं देते। ए समझदारों के वेश में ना समझ मूर्खो, दुनिया की चीजें तुम्हें क्या सुख देगी, दुनिया की फिल्म की पट्टियां तुम्हारा बल और बुद्धि, तुम्हारा तेज और ओज नाश कर लेगी। यदि तेज और ओज और बल और बुद्धि बढ़ाना है तो ऋषि कहते हैं, अज्ञान मूल हरणम, अज्ञान के मूल को हरण करने वाले, जन्म कर्म निवारणम, जन्मों के कर्मों को निवारण करने वाले, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि देने वाले, गुरुपादकोदगम पिबेत, गुरु के चरणों का जल अर्थात गुरु की कृपा का जल तुम पीते रहो, उसी से नहाते रहो, उसकी समझ में ही तुम डूबे रहो, उसके सत्संग में ही तुम खोए रहो, उसके सतगीतों में तुम खोए रहो। जगत में तो तुम सदियों से खोते आए हो, जगत में तो तुम सदियों से मिटते आए हो, अब किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में मिटकर भी तो देखो,
यदि मिट भी गए कुछ भी नहीं मिला, ठग भी गए तो घाटा ही क्या है। वैसे ही तुम ठगे आ रहे हो, कोई पत्नी से ठग गया, कोई पति से ठग गया, कोई बहू से ठग गया, कोई बेटे से ठग गया, कोई सत्ता से ठग गया, कोई चोरों से ठग गया, आखिर में तो सब मौतों से ठग ही जाने वाले हैं। जब मौत ठग ले उसके पहले तू गुरु से ठगा जा तो घाटा भी क्या पड़ेगा बाबा। अब ठगवाने को तुम्हारे पास बचा भी क्या है, युगों से तुम ठगाते आए हो, युगों से तुम हारते आए हो, एक बार और हार सही, एक बार और दाव सही। चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नहीं राह कोई, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु चरण उदकम पिवेत, गुरु के चरणों के उदक पिवेत,